आज के दिन 1902 में भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। चरण सिंह किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता माने जाते थे। प्रधानमंत्री पद पर चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहा। वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें कांग्रेस और सीपीआई से बाहर से समर्थन मिला था। इसके अलावा चरण सिंह भारत के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। साल 1928 से गाजियाबाद में अपनी वकालत करनी शुरू की थी। वकालत के दौरान वह अपनी ईमानदारी, साफ गोई और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। चौधरी चरण सिंह उन्हीं मुकदमों को स्वीकार करते थे जिनमें मुवक्किल का पक्ष उन्हें न्यायपूर्ण प्रतीत होता था। एक राजनेता के साथ चौधरी चरण सिंह एक कुशल लेखक भी थे। उन्होंने अबोलिशन ऑफ जमींदारी, लीजेंड प्रोप्राइटरशिप और इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशंस नामक पुस्तकें लिखी हैं। आज ही के दिन 1954 में बोस्टन में 2 जीवित लोगों के बीच पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण हुआ था। इस प्रत्यारोपण को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए डॉक्टर जोसेफ मरे को साल 1990 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रत्यारोपण 2 एक जैसे जुड़वा भाइयों रोनाल्ड हेरिक और रिचर्ड हेरिक के बीच हुआ था, जो एक ही जायगोट या युग्मस के विकास से पैदा हुए थे। किडनी ग्रहण करने वाले रिचर्ड हेरिक प्रत्यारोपण के बाद 8 साल तक जीवित रहे। इससे पहले 17 जून 1950 को अमेरिका में पहला किडनी प्रत्यारोपण किया गया, लेकिन 44 साल की रूथ टक्कर के शरीर ने 10 महीनों के अंदर ही किडनी को अस्वीकार कर दिया था। प्रत्यारोपण की सफलता के लिए शरीर में बाहरी अंग के लिए प्रतिरोधन को दबाने की तकनीक का इस्तेमाल जरूरी होता है, लेकिन उस वक्त तक यह तकनीक विकसित नहीं हुई थी। 1972 में आज के दिन निकारागुआ की राजधानी मनागुआ में 2 घंटे तक चले भूकंप ने जनजीवन तहस नहस कर दिया था, जिनमें करीब 10,000 लोग मारे गए थे। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई। भूकंप की वजह से कई इमारतों में आग लग गई और टेलीफोन लाइनें ठप हो गईं। प्रशासन ने शहर को खाली करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद अधिकारियों ने उस इलाके को बंद करने की घोषणा की, जिससे वहां साफ सफाई का काम हो सके। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें चिकित्सा सहायता और बेहोशी की दवा की काफी जरूरत है। इसके बाद निकारागुआ के पड़ोसी देशों अमेरिका और मेक्सिको ने राहत सामग्री भेजी। 1995 में आज ही के दिन भारत ने हरियाणा के डबवाली नगर में एक स्कूल में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम के दौरान तंबू में आग लगने से 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस वक्त वहां लगभग 1,500 लोग मौजूद थे और मारे गए लोगों में काफी बच्चे शामिल थे। दरअसल आग लगने के बाद लोगों में भगदड़ मच गई और वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। वहां आग बुझाने की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी और आग लगते ही तंबू में पूरी तरह फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आगे वाले लोग बच्चों के साथ पीछे भागने लगे, जबकि पीछे वाले लोग आगे अपने बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस दुर्घटना ने स्कूल प्रबंधन समेत प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। आज के दिन 2000 में भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त पाक मूल की अभिनेत्री नूरजहां का निधन हुआ था। माना जाता है कि उपमहाद्वीप के फिल्मी इतिहास में ऐसी कोई अभिनेत्री पैदा नहीं हुई जिसे नूरजहां का स्थान दिया जा सके। नूरजहां का वास्तविक नाम अल्ला वसई था। नूरजहां दक्षिण एशिया की महानतम गायिकाओं में शुमार थीं। लता मंगेशकर ने भी जब अपने करियर का आगाज किया तो उन पर भी नूरजहां की गायकी का काफी असर था। नूरजहां अपनी आवाज में हर रोज नए प्रयोग किया करती थीं। अपनी इन खूबियों की वजह से ही वह ठुमरी गायकी की महारानी कहलाने लगी थी। नूरजहां ने अपने आधी शताब्दी से अधिक के फिल्मी करियर में उर्दू, पंजाबी और सिंधी आदि भाषाओं में कई गाने गाए। उन्हें मनोरंजन के क्षेत्र में पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान तमगा-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया था।